नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और बहू आपके साथ जागृति खंतवाल। ताबड़तोड़ नज्म करेंगे रुख खबरों का। लखनऊ में मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा। पूर्व मंत्री उमेश श्रीवास्तव से पुलिस की कहासुनी के बाद वकीलों का हंगामा। पेशी पर आए कैदियों की दो गाड़ियां वकीलों ने रोकी। बहुखंडी परिसर के पास सैकड़ों वकील और पुलिस के अधिकारी मौजूद। लखनऊ विकास प्राधिकरण के एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की बेनामी संपत्ति अटैच। इनकम टैक्स विभाग ने किया अटैच। 1 करोड़ से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन वर्क करा चुके हैं इंद्रमणि त्रिपाठी। स्वतंत्रता दिवस की थीम पर 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस। कार्यक्रम को भव्य और गरिमामय बनाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने की बैठक। स्वतंत्रता दिवस की हर तरह से विभिन्न प्रकार के समूह कार्यक्रम में किया जाएगा हिस्सा। प्रत्येक समूह के लिए नामित किए जाएंगे नोडल अधिकारी। लखनऊ में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। सड़कों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। करीब 100 लोगों के काटे चालान। सूचित के बावजूद बड़ी संख्या में फुटपाथ पर मिले ठेले। एलडीए ने किया प्राधिकरण दिवस और जनता अदालत का आयोजन। मानचित्र समाधान दिवस में दर्जनों आवंटियों को मिली राहत। आर्किटेक्ट और कई मकान मालिकों के बीच वर्चुअल संपर्क। देर रात निरीक्षण पर निकले लखनऊ डीएम। G20 की तैयारियों का लिया जायजा। लालबत्ती चौराहे से अमौसी एयरपोर्ट तक किया निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी कामयाबी। जीआरपी थानाध्यक्ष ने धर दबोचा सिविल अस्पताल से फरार कैदी। आज सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी हुआ था फरार। राकेश रावत का भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने ढोल के थाप पर नाचते हुए खुशी की जाहिर। वही व्यापार संघ ने भी उनका ढोल दमाव और आतिशबाजी कर किया स्वागत। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया टेंडर प्रक्रिया का विरोध। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर जॉर्ज एवरेस्ट के संचालन का टेंडर मुख्य सचिव और पर्यटन मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। प्रतापगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष ने पेश किया लेखा जोखा। प्रेमलता सिंह ने ईओ के साथ अपनी उपलब्धियों को गिनाया। कहा पुस्तिका के माध्यम से दिया विभिन्न कार्यों का विवरण। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना ने छीने। बरेली में मालगाड़ी के डब्बे में लगी आग। मालगाड़ी के डब्बे में मछली। अफरा तफरी। दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिजनौर के थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पकड़े गए हिस्ट्री शीटर के पास से अवैध हथियार हुए बरामद। हरिद्वार जिले में सड़कों पर अवैध होर्डिंग का जाल। नियमों को ताक पर रखकर हरिद्वार जिले में लगाए गए सैकड़ों अवैध होर्डिंग। लाखों के राजस्व को चूना लगा रहे जिले में लगे सैकड़ों अवैध होर्डिंग। प्रयागराज माघ मेला में अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना के लोगों ने संतों और आम लोगों के बीच स्वेटर और च्यवनप्राश का वितरण किया। फतेहपुर में रेलवे स्टेशन पर दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। फतेहपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। वर्षा और बर्फबारी से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में आया। देहरादून में गुरुवार देर रात से हो रही बारिश से हाड़ कपाने वाली ठंड। जोशीमठ की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बर्फबारी से बड़ी दिक्कत। प्रयागराज माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व। जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व। 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का लगाया जा रहा अनुमान। शहर में 2800 बसों का किया जाएगा संचालन। 3 अतिरिक्त अस्थायी बस अड्डे भी बनाए गए। गंगा यात्रा पर निकले 2 विदेशी पर्यटक घाट पर फंसे। पोलैंड निवासी विदेशी पर्यटक माइक और जकी की बोट हुई खराब। 20 दिनों की यात्रा पर निकले हैं दोनों विदेशी पर्यटक। बिदुरकुटी गंगा घाट पर आज गुजारी रात। अलीगढ़ में पत्रकार को घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूट। बेटी की शादी के लिए रखा कैश और जूली लूट से ले गए बदमाश। तमंचे के नोक पर दिया वारदात को अच्छा।
देवरिया में चेकिंग के दौरान अवैध शराब जब्त, बिहार बॉर्डर से पकड़ी गई 2 लाख की अंग्रेजी शराब, वाहन में एक बना के रखी थी शराब। वहीं आपको बता दें कि वाहन चालक को क्या क्या गिरफ्तार। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराकर पलटी कार, लखनऊ हरदोई मार्ग पर हुआ हादसा, घटना में एक की मौत, 4 लोग घायल, घायलों को ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। रामनगर के तुमड़िया डैम पहुंचे प्रवासी पक्षी, हजारों किलोमीटरों का सफर तय करके हर साल पहुंचते हैं प्रवासी पक्षी, वन विभाग में खुशी का माहौल, पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए लगातार तैयारियां जारी। संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में गाड़ी ठीक करते समय अचानक कार बनी आग का गोला, आग से जलकर गाड़ी हुई खाक, गाड़ी में लगा था एलपीजी गैस सिलेंडर। बदायूं के ससवाना कोतवाली इलाके के भवानीपुर जंगल में गौकशी की सूचना पर पहुंचे पुलिस टीम के आरोपियों से हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड हुई फायरिंग, मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 3 बदमाश भागने में हुए कामयाब, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रायबरेली में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय 2 युवकों को लगी गोली, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को किया जब्त और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव, शव देख लोगों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, अज्ञात शव के शिनाख्त के प्रयास शुरू कर लोगों से शुरू की बातचीत। बाराबंकी में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद, इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं, अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर को भी टीम ने किया सील। सहारनपुर में किसानों का धरना प्रदर्शन, गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान कराने, किसानों के विद्युत कनेक्शन न काटे जाने को लेकर दिया धरना, छोटा पशुओं से फसलों को बचाने की मांगों का मांग पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा। एटा के थाना आवागढ़ कस्बे में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार चरम पर, जिला प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग के 2 ठिकानों पर मारा छापा, कार्रवाई के बाद अवैध गैस रिफिलिंग तस्करों में मचा हड़कंप, जिला प्रशासन टीम ने 45 गैस सिलेंडरों को किया जब्त। मैनपुरी के किशनी तहसील परिसर में भाकियू भानु गुट की महापंचायत में एसडीएम को बनाया बंधक, किसानों ने जबरन 1.5 घंटे तक बैठाया, आश्वासन मिलने के बाद माने किसान। सहारनपुर में रंगे हाथ पकड़े गए चोर, चुलकाना क्षेत्र के पटेल गांव की घटना, चोरों को पकड़ लोगों ने की जमकर पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। जालौन में आग का तांडव, तांडव से लाखों रुपयों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखे करीब 10 लाख के कीमती कपड़े जलकर हुए राख, सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, उरई कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार स्थित खोया मंडी की घटना। रुद्रपुर में भारी बर्फबारी, केदारनाथ में जमी 2 से 3 फीट बर्फ, धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य ठप, बर्फबारी से निचले मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ी शुरू। कन्नौज पुलिस ने कंटेनर लूटकर भाग रहे गिरोह के 3 साथी दबोचों को दबोचा, वहीं पकड़े गए लुटेरों के पास से लूटा गया कंटेनर और एक कार सहित 3 असले और कारतूस की बरामद। अलीगढ़ में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ कलंकित, सातवीं की छात्रा को बहला फुसला कर शिक्षक लाया अपने घर और किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी क्लास टीचर गिरफ्तार, ऑपरेशन नासूसी से रात भर के प्रयास में खुलासे पर दिए 25,000 का इनाम। इटावा यूपी हाईवे के किनारे ट्रकों से चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो छात्र चोर पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तार चोरों के पास से नकदी, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, धारदार चाकू, एक आर्ची का कार बरामद। अलीगढ़ में शादी समारोह में डीजे पर हुआ जमकर बवाल, युवक के साथ की गई मारपीट, गोली मारने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज किया रेफर, अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर का मामला।
बरेली में रोडवेज बस से सिक्योरिटी गार्ड को रौंदा, सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर मौत, बस चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, बेटे को सिखा रहा था बस चलाना। सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट से मिला एनबीडब्ल्यू वारंट, अपहरण कांड में आरोपी है महेंद्र नाथ, न्यायालय से पूरक जमानत अर्जी खारिज। एटा की कोतवाली नगर के शिकोहाबाद रोड पर स्थित मां पूर्णागिरी नर्सिंग होम में महिला की हुई मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, महिला की मौत के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। इटावा में हुई लूट की घटना, कार्यरत करने वाले दो लुटेरों समेत तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी, एसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा, 13 जनवरी को शराब व्यापारी के साथ तीन लुटेरों ने की थी लूट। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पहलवानों के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जवाब दूंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर उन्होंने बयान दिया है मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही नाराज हैं, ये भी उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक होगी, मैं विदेश नहीं भागा हूं, यही हूं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं किसी की दया पर पद पर नहीं बैठा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बात रखूंगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पहलवानों के आरोप पर अब बृजभूषण शरण का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं जवाब दूंगा, ये बड़ी और अहम जानकारी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही नाराज हैं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक होगी, जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विदेश नहीं भागा हूं, यही हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी और मैं किसी की दया पर पद पर नहीं बैठा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का बयान सामने आया, उन्होंने पहलवानों के आरोपों पर बयान देते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं जवाब दूंगा। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही नाराज हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक होनी है, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विदेश नहीं भागा हूं, यही हूं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर WFI अध्यक्ष का बयान सामने आया, उन्होंने पहलवानों के आरोपों पर बयान दिया है। तो लगातार 3 दिन से जो पहलवान है वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, और लगातार उनकी यही मांग है कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं। तो ऐसी में अब जो है WFI के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया, उनका साफ साफ कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जवाब देंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक होनी है, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विदेश नहीं भागा हूं, यही हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। वहीं उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं किसी की दया पर पद पर नहीं बैठा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बात रखूंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का अब बयान सामने आया है। लगातार पहलवानों का जिस तरह से प्रदर्शन जारी है, इस बीच अब उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही नाराज हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक होनी है, मैं विदेश नहीं भागा हूं, यही हूं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मैं अपनी सारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखूंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां लगातार एक तरफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब WFI के अध्यक्ष का बयान एक बार फिर से सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जवाब दूंगा, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही नाराज हैं। तो साथ ही उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक होनी है,
ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विदेश नहीं भागा हूं, यही हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो एक तरफ जो लगातार जो पहलवान धरने पर बैठे उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इसी बीच अब उनका बयान भी सामने आया है। इसी खबर पर गोंडा से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार जिस तरह से एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ जो है अब WFI के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जवाब दूंगा। देखिए बिल्कुल, जंतर मंतर पर लगातार जो धरना प्रदर्शन है खिलाड़ियों की तरफ से जारी है और अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खिलाड़ियों की तरफ से की गई है और एक बार फिर से जो मांगे हैं वो दोहराई गई है। हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं पीछे मेरे, जंतर मंतर पर जो तमाम खिलाड़ी है, विनेश फोगाट की बात करें या फिर बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, अन्य खिलाड़ियों की बात करें, वो तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बात करते हैं तमाम खिलाड़ियों की मांगों की तो वो जो है ब्रिजभूषण शरण को हटाने की मांग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो तमाम रेसिंग फेडरेशन की बात है उसको भी जो है भंग करने की बात जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई बात जो आज यहाँ पर निकलकर सामने आई वो ये कि कानूनी लड़ाई लड़ने जो है ये खिलाड़ी तैयार देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम खिलाड़ियों का ये कहना है कि हमारे पास जो है पर्याप्त सबूत है और उसके जो है उसके साथ ही हम जो है कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जल्द से जल्द जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी होनी चाहिए, ये तमाम जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ब्रिजभूषण शरण जिस तरीके से आरोप ये लगाते नजर आ रहे थे कि राजनीतिक कारण जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए जो खिलाड़ी है वो प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। एक उद्योगपति का जो है यहाँ पर जो है जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अब से कुछ ही देर पहले जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई खिलाड़ियों की तरफ से तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पर कोई राजनेता जो है नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कोई उद्योगपति नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हुए वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आने वाले खिलाड़ी उनके भविष्य को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और इसलिए जो लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन है वो जारी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विपिन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें स्पष्ट दिखाई जहां पर अब लगातार जो खिलाड़ी है उनको समर्थन मिलता नजर आ रहा है, आम जनता उनको समर्थन दे रही है और ऐसे में अब इसी बीच जो है WFI के अध्यक्ष का भी बयान सामने आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी पहले 12 बजे जिसको 4 बजे तक टाला गया, अब किस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? जी जागृति, आपको बताना चाहेंगे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा। 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस नंदिनी नगर महाविद्यालय में रखा गया था, अब वो 4 बजे रखा गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम पर दिखा देते हैं, ये नंदिनी नगर का विद्यालय है, हम यहीं पे मौजूद है और आपको 4 बजे उनका जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन उनका साफ साफ ये कहना की मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, ये खिलाड़ी क्यों मेरे खिलाफ है, क्या वजह है जो ये शोषण जो आरोप लगा रहे हैं शोषण का, वो पूरी तरह से गलत है। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे समर्थक मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, मैं खिलाड़ी से बात करूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये आप कहाँ से हैं? नोएडा से, संपूर्ण नगर से। आप नोएडा से हैं, यहाँ पे नंदनीगढ़ में आए हैं, ये जो आरोप लग रहा है इनके ऊपर राज्य के ऊपर, कैसे है ये? बहुत गलत आरोप लगा हुआ है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत हमारी उसकी से बहुत ऊपर लेके गए, नए नए रूल लागू कर देते, इसलिए इसमें वादा कर रहे हैं हरियाणा के। नहीं तो जो आपके सहयोगी खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, शोषण का आरोप लगा रहे हैं, वो क्या गलत है? बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं आपके खिलाड़ी। खिलाड़ी नहीं तो ये जब से आप यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं कोई दिक्कत होती है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमारा खूब सहयोग करते हैं, वो आगे भी बढ़ाते हैं सब चीज, मतलब व्यवस्था भी सब चीज अच्छी करते हैं, उनके ओर से कोई भी ऐसी गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आप आते हैं? हम आते हैं जी गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से। यहाँ पे क्या करने आए हैं? जी कुश्ती रेसलिंग करने आए हैं, हम कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं, उनकी बदौलत हम ये लड़वा रहे हैं। अभी जागृति आपने देखा और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जो आपके यहाँ के जो सांसद हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनपे आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप लग, क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं सांसद जी को जानता हूँ कि उनका 80 लाख लोगों से व्यक्तिगत परिचय है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद में वो कुश्ती को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं, लोग उनकी लोकप्रियता से जल रहे हैं, ये हरियाणा के कुछ नेताओं तथा उद्योगपतियों का ही कमाल है कि जो जागृति में आप देखिए ये सब सारे जो ये पहलवान है और ये यहाँ पे कुश्ती खेलने आते हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं वो क्या आपके सत्य है, जो आरोप लगा रहे हैं आप अध्यक्ष ऊपर खिलाड़ी आपके वो कैसे है?
सरासर झूठ नेताजी को फंसाने का चाल। कहाँ से आप आते हैं? मैं तो ये खाड़े का हूँ, नंदनी नगर का जी। हाँ, मेरा घर बहराइच जी। ये जो आरोप लग रहा है शोषण का, ये इस पे क्या कैसे देखते हैं? ये सब झूठ। जैसे आपने देखा जा सकते की इनका भी कहना है, ये पालवानी करने नंदनी नगर आते हैं, कि इनका कहना है कि ये सब जो आरोप लगा रहा है जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गेम प्लान है। मेरे साथ ये भाई साहब मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जो आरोप लग रहे हैं यहाँ के अध्यक्षों पर कैसा दिखते हैं। देखिए ये सरासर गलत है। आप अगर पिछले 11 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं माननीय नेताजी, एशिया के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और अगर ऐसा कुछ था तो इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठी? अभी एक महीने बाद इलेक्शन होने हैं, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं? गंभीर आरोप है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन जिस भी प्लेयर ने इसका आरोप लगाया उनके पास न कोई प्रमाण है न कोई साक्ष्य है, और दूसरी बात उनका नेताजी ने बहुत सहयोग किया। आपकी बात एकदम सही है, पर वो वही खिलाड़ी हैं जो ना नेशनल खेलना चाहते हैं और ना जो यहाँ पे प्रदेश या हिंदुस्तान में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं रेसलिंग की, उसकी कोई भी प्रतियोगिता। और बात करना चाह रहे हैं, इनसे जानते हैं, जो आपके यहाँ के जो सांसद है जो कुश्ती राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष है, उनके ऊपर आरोप गंभीर लगाया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे? सांसद जी 30 वर्षों से सांसद है और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है, आज 10 वर्षों से उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, और जब कल इलेक्शन होने हैं तो तुरंत ये सारी बातें निकल के सामने आ चुकी हैं। ये सरासर गलत है, एकदम निर्दोष है सांसद। जिनको हमारे देश में गोल्ड मेडल लेके आई है, जो खिलाड़ी है, जिनके स्वाभिमान में राष्ट्रीय गान बजा है, वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है, उस पर क्या कहेंगे? जी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, सही है, लेकिन अब उनका समय बीत चुका है और वो अपने आगे किसी दूसरे को नहीं मिलाकर जागृति। इन लोगों का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक है, क्योंकि इससे पहले आप देखना चाहते कल सांसद ने कहा था कि कांग्रेस ने चूज करके इसमें पूरी तरह कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, और एक जो कि उद्योगपति का भी नाम ले रहे थे, क्योंकि उद्योगपति का उन्होंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन यहाँ की जनता कुछ अलग ही बता रही थी। अब ऐसे में यहाँ पे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो क्लियर होगा कि सांसद क्या प्रूफ रखना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल स्पष्ट। जिस तरह से गोंडा की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर कई उनके जो समर्थक है, उनके जो सहयोगी है, उनका ये कहना है कि जो ये आरोप है ये झूठे हैं, लेकिन वहीं साफ तौर पर खिलाड़ियों का भी कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर आखिर क्या जो है आगे कार्रवाई की जाती है। जागृति आपको बताना लोगों को लेकर अड़े हुए हैं, और आपसे कुछ ही देर पहले हम बात करें तो जो बजरंग पुनिया और उसके साथ साथ जो साक्षी मलिक है वो जंतर मंतर से जो है जाते हुए नजर आए हैं। क्या कोई बातचीत के लिए जो है वो जाते हुए नजर आए हैं या फिर वो कहाँ गए हैं? अभी इसका जो है चीज़ें जो है आना बाकी है, लेकिन ऐसे अचानक ये जो खिलाड़ी थे आपसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद अचानक जब गए हैं, तो कल भी हमने देखा था कि खेल मंत्रालय के साथ इन लोगों की जो है बैठक होती हुई नजर आई थी, तो क्या ये खिलाड़ी कहाँ गए आपसे कुछ ही देर बाद जो है पता चलता हुआ नजर आएगा? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। देश के लिए जो है खिलाड़ी अपने लिए लड़ते हुए नजर आते, तो क्यों अपने लिए जो है वो खिलाड़ी लड़ते हुए नहीं नजर आ सकते, ये जो खिलाड़ी है वो कहते हुए जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी स्थिति की बात करते हैं तो एक तरफ जो है तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण शरण है वो अपने स्टैंड को लेकर कायम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और तीसरी तरफ अगर हम खेल मंत्रालय की बात करते हैं तो वहां पर बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल स्पष्ट। विपिन लगातार आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।